पंचायत सचिव दिवस के अवसर पर प्रदेश पंचायत सचिव संघ छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, पंचायत मंत्री विजय शर्मा और महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी लाजवाड़े सहित पंचायत सचिव संघ के अध्यक्ष उपेंद्र सिंह पैकरा और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। पंचायत सचिव संघ ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए गजमाला से जोरदार स्वागत किया और आभार भी जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पंचायत सचिवों के हितों का पूरा ध्यान रखती है। सरकार बनते ही पंचायत सचिवों की अपेक्षाओं को पूरा किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश पंचायत सचिव संघ द्वारा शासकीकरण की मांग को पूरा किया जाएगा और इसके क्रियान्वयन के लिए कमेटी का गठन भी किया जाएगा। सीएम ने कहा कि वे स्वयं भी 5 साल पंच और निर्विरोध सरपंच रहकर जनता की सेवा कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि देश का विकास पंचायतों में ही निहित है और केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायतों के माध्यम से ही होता है। सरपंच और सचिव के हाथों में ग्राम के विकास की चाबी होती है। मुख्यमंत्री ने पंचायत सचिवों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि सभी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सचिवों के माध्यम से ही होता है। उन्होंने सचिवों की प्रशंसा करते हुए उनसे और भी अच्छा कार्य करने के लिए संकल्प लेने की बात कही। मैं प्रदेश के सभी सचिव मल्ला बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं स्वयं 5 साल पंच रहे हूँ, पंच के रूप में काम करें तो अगला पंचायत के चुनाव आइस तो पंचायत वाला कहीं कि ये दारी अगर सरपंच बनवे तो निर्विरोध बना दे, वो तो निर्विरोध सरपंच मोला बनाए रही। और 6 महीना काम करे रहे सरपंच के रूप में और फिर विधानसभा के चुनाव आ गई तो डॉक्टर साहब मन मोला विधानसभा के टिकट दे दिन। पंचायत में 2 ही जन जिम्मेदार होते हैं, एक तो सरपंच और दूसरा सचिव। ये दोनों के हाथ में ही पंचायत के पूरा डेवलपमेंट के बागडोर रहते। एक समिति के गठन करबो और वो जितना दिन में उमन के रिपोर्ट आ जाही, मोदी के गारंटी में जो भी हमर वादा है, हमर वो घोषणा है, बहुत जल्दी समिति के गठन हो जाही आप मन से विचार विमर्श करके। और आज सचिवों ने हम लोगों का सम्मान किया और उनकी एक मांग है शासकीकरण का, वो हम लोगों की मोदी की गारंटी में वो शामिल है और वो तो मोदी की गारंटी का एक एक वादा पूरा करना हमारी सरकार का कर्तव्य है। हम लोग उसको पूरा करेंगे और उनके शासकीकरण के लिए एक समिति का गठन होगा और समिति का रिपोर्ट जितना जल्दी आएगा उतना जल्दी इनका काम सफल होगा। अब देखिए कई तरह की बात रहती है, अब उनसे सलाह मशवरा करके कोई एक फाइनल स्टेज पर पहुंचा जाएगा। और ये तो मैंने कहा है कि मोदी की गारंटी पूरा करना हम लोगों का कर्तव्य है। आयोजन लास्ट खत्म होते होते घोषणा ना करने की वजह से कुछ सचिव नाराज दिखे, क्या कहना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल कोई सचिव नाराज नहीं है इस तरह का, आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सचिव नाराज नहीं है और 100% मोदी की गारंटी में है, तो ये हमारे लिए घोषणा ही है जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंच से कहा है। और बहुत जल्दी हमारी प्रांतीय टीम बहुत जल्दी पंचायत मंत्री से मिलकर हमारी जो चीजें हैं उस पर हम गंभीरता से विचार करते हैं, तकनीकी चीजों को अपन सॉर्ट आउट करेंगे और बहुत जल्दी घोषणा हम करवाएंगे। नहीं, बिल्कुल सकारात्मक रूप से हम इसको देखते हैं क्योंकि माननीय मंत्री जी मंच से बाहर निकलने के बाद भी कहे तत्काल हमें बुलाए हैं अभी हमारी प्रांतीय टीम को बहुत 1-2 दिन के अंदर में, और इस पर गंभीरता पूरा विचार करके और छोटी छोटी चीजें हैं उस पर भी बात करने के लिए कहा गया है और बहुत जल्दी इसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। बिल्कुल 3 महीने के अंदर कमेटी भी गठित होगी और रिपोर्ट भी 3 महीने के अंदर, कमेटी गठित होने के 3 महीने के अंदर में वो रिपोर्ट हम करवाएंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल निराशा नहीं है, ये आपकी सोच है, बिल्कुल निराशा नहीं, सब पॉजिटिव है और एक विश्वास, एक खोप जगह, एक बहुत बड़ा मंच मिला हमें अपनी बात को रखने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करने का अवसर मिला, डॉक्टर साहब का सम्मान करने का अवसर मिला, जिसके सौजन्य से इतना बड़ा कार्यक्रम आज हम लोग कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ही आज का दिन करने लायक हमको रखा है इस ऐतिहासिक सचिव दिवस के लिए, तो बिल्कुल सब पॉजिटिव है। देखिए, जिस आशा से आज हम लोग एक कार्यक्रम किए थे निश्चित रूप से पूरा हुआ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोदी जी की गारंटी में जो है वो घोषणा पत्र है, संकल्प पत्र है, उसको घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है ऐसा मुख्यमंत्री जी ने कहा, वो केवल क्रियान्वयन करने की जरूरत है और वो 3 महीना में हम लोग करा लेंगे। उन्होंने सिग्नल दे दिया है, हम करा लेंगे। ये 100% सफल है, 101% सफल कर सकते हैं। मान लीजिए 11,000 पंचायत है हमारे यहाँ, मुख्यमंत्री ने तारीफ किया कि यहाँ तो 25,000 जनसंख्या दिख रहा है। ये सफल आयोजन उनके लिए भी रहा, हमारे लिए भी रहा, बहुत ही अनुशासन पूर्वक, और सचिव शुरू से ही अनुशासन में रहता है। निश्चित रूप से
हम बच्चों से लेकर बूढ़े तक को अनुशासन सिखाते हैं, उनके बीच में काम करते हैं, तो सचिव तो अनुशासन में रहेंगे, ये देखने को मिला। आज के कार्यक्रम में सभी अनुशासित रहे।